डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड टर्म एग्जाम सिलेबस में एक्सरसाइज नंबर 5.1 कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्या है? टू व्हाट पावर -3 शुड बी रेज टू गेट -27? -3 पर कौन सी पावर अप्लाई करें जिससे रिजल्ट जो है ना वो क्या हो, -27 हो। लेट -3 पर कौन सी पावर अप्लाई करें, पता नहीं कौन सी अप्लाई करें, लेट -3 पर पावर एक्स अप्लाई कर दो, रिजल्ट होगा -27। ओके, देन -27 के भी फैक्ट 27 के फैक्टर करो, प्राइम फैक्टर ये होंगे ना 3, 3, 3, मीन ये है 3 रेज टू द पावर 3। तो इसे ऐसे भी तो राइट कर सकते हो ना आप, -3 रेज टू द पावर 3। -3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें देन क्या होगा, -27। इधर है -3 रेज टू द पावर x, 27 पावर जो है वो ऑड नंबर हो देन रिजल्ट माइनस में आता है, बेस अगर माइनस में है तो। -3 पर कौन सी पावर अप्लाई करें जिससे रिजल्ट -27, लेट -3 पर माना, लेट -3 पर पावर x अप्लाई कर दो। ओके, ये तो सेम रहा, अब -27 इसको 3 बेस -3 बना दो, फैक्टर करें तो 3, 3, 3, 3 टाइम। ओके, अब देखो बेस सेम है, वैल्यूज इक्वल, तो पावर भी क्या होगी, सेम होगी। यहाँ पर देखो -3 रेज टू पावर x या -3 रेज टू पावर 3, मीन यहाँ पर x एंड ये 3 है, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3, मीन -3 पर पावर जो है वो 3 अप्लाई हो तो -27 आता है रिजल्ट। ओके, नाउ 13, -2 पर कौन सी पावर अप्लाई करें रिजल्ट 16 हो, लेट -2 पर पावर क्या अप्लाई करें, -2 पर क्या पावर अप्लाई करो, लेट -2 रेज टू द पावर x, रिजल्ट होगा 16। ओके, इसके फैक्टर्स देखते हैं, प्राइम फैक्टर्स देखते हैं, 16 बेस 2 होना चाहिए, 8, 4, 2, 1, 2 रेज टू द पावर 4, पावर क्या है 4, 2 रेज टू द पावर 4। पावर अगर इवन नंबर है, पावर जो है वो इवन नंबर है, तो 2 रेज टू द पावर 4 एंड -2 रेज टू द पावर 4 ये इक्वल ही होगा, बेस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, पावर इवन है तो रिजल्ट सेम रहता है। तो -2 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 16 को क्या राइट कर सकते हो, -2 रेज टू द पावर 4। 16 जो है ना वो 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करने पर आता है, 4 टाइम 2 को मल्टीप्लाई करो या -2 को, रिजल्ट 16 ही होता है। बोथ साइड देखो, बेस सेम तो पावर भी इक्वल होगी, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 4, मीन -2 रेज टू द पावर 4 अप्लाई कर दो, मीन 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस, माइनस काउंट कर लो, इवन नंबर है तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है, प्लस में आता है। क्लियर, ये है क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, कन्वर्ट द फॉलोइंग इंटू पावर नोटेशन। पावर में चेंज करना है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन 1/27, योर क्वेश्चन इज 1/27।
1/27. सो 27 को फैक्टराइज करो, 3 9 टाइम 3 3 टाइम 3 1 टाइम. 27 क्या है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. 3 कितने टाइम मल्टीप्लाई में, 1 2 3 3 टाइम, तो 3 raised to the power 3. तो 27 को राइट कर सकते हो 3 raised to the power 3. ओके, 1 1 तो 1 पर कोई भी पावर अप्लाई कर दो 1 ही रहेगा. तो इसको ऐसे राइट करते हैं, 1/3 raised to the power 3. इसको है ना ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. देखिए 27 क्या है, 1/3 raised to the power 3. 1 को क्या राइट कर सकते हो, इस पर पावर 3 है तो 1 पर भी पावर 3 पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं. 1/3 raised to the power 3. अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 1/3 पावर क्या है, 3 पावर 3 है तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट चेक करो, 1 1 1 3 3 3 27. योर आंसर इज 1/27. क्लियर फर्स्ट पार्ट ऑफ 14. ऑल क्वेश्चन, कई बार होता है फर्स्ट टॉपिक क्लियर नहीं होता, देन वीडियो कंप्लीट देखिए, लास्ट तक क्लियर होने लगता है टॉपिक. 14 सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 14. योर क्वेश्चन इज -1/64 के प्राइम फैक्टर्स देखिए क्या होंगे. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 64 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1. 64 है 2 raised to the power 6. 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 64 रिजल्ट आता है, 2 raised to the power 6. सो ये माइनस तो सेम रहेगा, 1/2 raised to the power 6. माइनस आउटर रखो, पावर क्या 6. 1 को क्या राइट कर सकते हो, 2 raised to the power 6, तो 1 को भी राइट कर सकते हो 1 raised to the power 6. तो ये हो गया 1/2 raised to the power 6. ये माइनस है ना, आउटर रखना इंटीरियर पार्ट में, यहाँ अंदर मत अप्लाई कर देना. अंदर करोगे तो पावर क्या है, पावर इवन नंबर है. पावर इवन नंबर हो तो माइनस भी प्लस हो जाता है, बिकॉज माइनस को माइनस से इवन टाइम मल्टीप्लाई करने पर, इवन टाइम मीन 2 टाइम 4 टाइम 6 टाइम 8 टाइम मल्टीप्लाई करने पर प्लस बन जाता है. बट माइनस आंसर में रखना है तो माइनस बाहर ही रखा आपने, आंसर प्लस में लाना हो ठीक है तो बात अलग है. बिकॉज पावर क्या है, इवन नंबर हो तो माइनस भी प्लस हो जाता है. सेकंड, नाउ थर्ड, 1/81 थर्ड पार्ट, क्लियर थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. 1/81 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 81, 3 27. प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, 3 9 3. 81 है 3 4 टाइम मल्टीप्लाई में, तो 3 raised to the power 4. 1 81 3 raised to the power 4, तो 1 को भी राइट कर सकते हो 1 raised to the power 4. 1 पर पावर कोई भी हो, रिजल्ट 1 ही होगा. देखिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों की पावर इक्वल है, देन इसे राइट कर दो 1/3 whole complete raised to the power 4. ओके, ये थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन 49/81 फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन 49/81 पावर नोटेशन क्या होगा. 49 के फैक्टर्स देखो, प्राइम फैक्टर ऑफ 49 7 से 7 टाइम 7 से 1 टाइम. 49 तो है 7 raised to the power 2. इस पर पावर 2 है,
81 के फैक्टर देखो, पावर 2 होना चाहिए। वैसे तो प्राइम फैक्टर देखें तो ये होते हैं, ठीक है, 3 3 3 3, बट पावर 2 होना चाहिए, मीन 2 टाइम मल्टीप्लाई करें। इसमें 2 ही नंबर रखने हैं आपको, तो इनको जॉइंट कर दें, इनको जॉइंट, 3 3 9 3 3 9, ये है 9 रेज टू द पावर 2। बेस 3 के फॉर्म में हो तो 3 रेज टू द पावर 4 है, बट बेस 9 रखें तो 9 रेज टू पावर 2 है। बेस 9, रीज़न क्या है 9 रखने का, बिकॉज न्यूमेरेटर जो है वो 7 है और उसकी पावर 2 है, तो डिनोमिनेटर भी पावर 2 के फॉर्म में, मीन किसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 81 रिजल्ट हो, 9 मल्टीप्लाई 9। तो देखो न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर की पावर सेम है, तो ये पावर होल पावर अप्लाई कर दो, अलग अलग नहीं, जॉइंट पावर रखो। ये वो फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, लास्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, ओनली 2 क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, थर्ड एंड फोर्थ यू विल सॉल्व योर सेल्फ, अपने आप करेंगे आप, ओके। 15th क्वेश्चन, स्टूडेंट्स रेगुलर अपना होमवर्क कंप्लीट रखें, यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रीज़न बिकॉज लाइव क्लास कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम होने से है ना, स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं हो पाती, क्वेश्चन है उसमें प्रॉब्लम, एंड यूट्यूब रिकॉर्डेड करके सेंड कर रहा हूँ। अब यूट्यूब रिकॉर्ड में टाइम ज़्यादा लगता है, लाइव में तो टाइम कम लगता है, ईजी होती है, बट सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट नहीं मिल पाता इसका, नेटवर्क प्रॉब्लम आती है, ये प्रॉब्लम आती है। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, 1/7 रेज टू द पावर 4, 1/7 रेज टू द पावर 4। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2/8 रेज टू द पावर 3। थर्ड क्वेश्चन सिंपल है, 7/9 रेज टू द पावर 5। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज -6/8 रेज टू द पावर 3। नाउ सॉल्व कर दें इनको, 1/7 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, 1/7 1/7 1/7 1/7 मल्टीप्लाई करोगे, 1 को 1 से 4 टाइम और 7 को भी 7 से 4 टाइम, यू विल सॉल्व योर सेल्फ, 2/8 2/8 2/8, ये कैंसिल भी हो सकता है, ओके, इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कैसे, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, ये 1/4 हो गया। अब 1/4 को 3 टाइम, 1/4 1/4 1/4 1 1 1 4 4 4, 3 टाइम। 7/9 5 टाइम, मल्टीप्लिकेशन लेंथ ही होगा, ओके, 7/9 7/9, 7 को 7 से 5 टाइम, 9 9 5 टाइम, ये कैंसिल हो रहा है, 2 से 3 टाइम, 2 से 4 टाइम, -3/4 -3/4 -3/4, ये माइनस वाला सॉल्व करवा देता हूँ, माइनस काउंट करो, इवन नंबर में या ऑड नंबर में, -3 टाइम है और 3 इज एन ऑड नंबर, सो माइनस में रिजल्ट होगा, वैसे भी चेक कर लो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 3 जा 9 9 3 जा 27, 4 4 जा 16 16 4 जा 64। क्लियर, ये एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होती है आपकी।